धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र को ईसाई मिशनरियों द्वारा अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद 5 नंबर बस्ती में ईसाई मशीनरी के द्वारा धर्म परिवर्तन करने का मामला प्रकाश में आया है। बताते चले कि छाताबाद 5 नंबर बस्ती में स्वर्गीय काली पदों के मकान में कुछ लोग चिरकुंडा से आकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे थे। हिंदू परिवार को ईसाई प्रार्थना सभा में शामिल करवाया गया था। जब इस बात की सूचना स्थानीय ग्रामीणों को मिली तो वह लोग विरोध करने के लिए उपरोक्त स्थल पर जा पहुंचे, हंगामा करने लगे। प्रार्थना सभा में हिंदू परिवार के लोगों ने बताया कि घर में लोग बीमार है, किडनी बीमारी से ग्रसित है। चेन्नई अस्पताल में इलाज कराने के नाम पर 15 लाख देने का आश्वासन मिला है। इन दिनों ईसाई मशीनरी के द्वारा कतरास के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को प्रलोभन देकर प्रार्थना में शामिल होने के बहाने धर्म परिवर्तन का काम कराया जा रहा है। हंगामे की जानकारी पाकर कतरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, हंगामे को शांत कराया। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस को बताया कि यहां पर ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीब भोले भाले लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन दिया जा रहा है। बाहर से कुछ लोग यहां पहुंच प्रार्थना सभा में हिंदू परिवार के लोगों को शामिल होते उन लोगों ने देखा है। मामले में कतरास थाना में पिंकी साव ने शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले की जानकारी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों को मिलने पर नाराजगी जताई है। कतरास थाना से धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। क्रिश्चियनों में यहाँ कोई कोई धर्म को थोड़ी रोका है कि आप नहीं, यहाँ प्रार्थना करता है, प्रार्थना होता है। आप जन्म से हिंदू है ना, हिंदू संस्कार, दुर्गा पूजा मनाते, दिवाली मनाते, छठ पूजा मनाते हैं, इसमें थोड़ी रोका नहीं गया क्या? इलाज के लिए 15 लाख कितना दिया? इलाज के लिए 15 लाख दिया। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम हुआ सैनिक भैया। क्या हुआ, तकलीफ, बीमारी क्या है? किडनी का प्रॉब्लम के लिए 15 लाख दिया है ना। मेरा नाम वसीम दास। कहाँ से आते हैं आप? चिरकुंडा। क्या मैटर हुआ बताइए। अभी अभी हम लोग बस यहाँ प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह। जगह का नाम बताइए, कहाँ प्रार्थना करते हैं? कतरासगढ़ छताबाद 5 नंबर। आप हम चिरकुंडा साहब यहाँ प्रार्थना करवाते हैं? देखिए हम लोग यहाँ शांति पूर्वक, हम लोग परमेश्वर को हम लोग विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को शांति पूर्वक यहाँ हम लोग आराधना करते हैं। ठीक है, जो सरकार भी इजाजत देते हैं कि अपने आप जो जिसमें है उसमें आप कर सकते हैं। सब कई सारे लोग अपना धर्म को मानते हैं, हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं। हम लोग कोई यहाँ कोई धर्म पर धर्म का कोई प्रचार नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग बस एक, हम लोग जो किस तरह हम लोग पापी है, पाप में हम लोग चल रहे हैं और किस तरह पापों से क्षमा पा सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। हमारे आपके ऊपर आरोप लगाया ग्रामीणों ने कि आप पैसा का प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ऐसा एक व्यक्ति ने कहा भी, ऐसा क्या है मामला? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है। जो आरोप दे रहा है वो अपने अनुसार, अपना विचार के अनुसार वो आरोप रख रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई पैसा की बात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है। हम लोग बस यीशु मसीह को, हम लोग, हमारा प्रभु है, हम लोग उसका प्रार्थना करते हैं, हम लोग गीत गाते हैं, हम संगति करते हैं। 5 नंबर में बाहर से कुछ ईसाई मशीनरियाँ दे दिए पादरी, उसमें लोग आ करके और धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। उसमें हमारा जो नीचे तबका का समाज है, दास बंधु है, कुछ लोगों को प्रभावित किया है और कुछ लोगों का प्रयास चल रहा है। तो उन्हीं लोगों ने हम लोगों को खबर किया है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और उसी विषय पर हम लोग थाने में मिलने आए हैं कि उन पर ऐसे लोगों पर जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन का बड़े पैमाने पर इनका जाल इस क्षेत्र में फैलते जा रहा है, उस पर कानूनी रोक लगे। और अगर नहीं लगता है तो फिर हम विचार करेंगे आपस में तय करके हम कैसे इसको रोक सकते हैं। निश्चित रूप से इस पर हम ब्रेक लगाएंगे।